Shiva says, Rimorov, your next challenge should be any dance form which Mohina would be judging. Yes. We might consider this, Shiva. And we'll start. And मैं इतनी strict judge बनूंगी ना, इतनी strict judge बनूंगी ना कि इन दोनों को zero कर दूँ. And we will, it will be named as dance Rirav dance. और उसमें होगा no baat, no baat, no baat. No baat. Only बकवास, only बकवास, only बकवास. सिंगम. वाह, यहीं पे ऑडिशन हो रहे होंगे. आज तो डांस करके दिल जीत लेना है. ये अब भाई साहब, ये ऑडिशन नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं, घंटी बजा रहा हूँ, कोई खोलता नहीं. रहते हैं शक्ति स्टूडियो मुंबई, कहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है. तो आज ऑडिशन मुझे पता लगा, एक बार में मैंने देखा ऑडिशन चल रहे हैं, मैं खड़ा हूँ. काफ़ी देर से खड़े हैं, बहुत देर से अंदर, मुझे रश काफ़ी लग रहा है. अरे अंदर जाके देखो तो सही. So no drinking or eating, we are allowed. We are allowed. No drinking, no eating. वो लिखा ही है उन्होंने. चलो पूछ लेते हैं स्टूडियो पे. नाम बताइए अपना. I'm Gaurav from Jaipur. Hi ma'am, I'm Rishi from Jalandhar. मैं जयपुर से मैम, बहुत दूर से आए हैं. इनका दूर, ये भी काफ़ी दूर से आए हैं क्योंकि मुंबई में ऑडिशन है. एंड मैं बहुत सालों से डांस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ. मैं अपने आप में बहुत ही अद्भुत और प्राणी. आप डायरेक्ट फिनाले में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैम बहुत थोड़ी अच्छी खासी ठंड लग रही है क्योंकि यहाँ एसी फुल ऑन चल रहे हैं. ऑलराइट, अब वन बाय वन बताइए कि आपको कौन सा स्टाइल मिला. आपकी लॉटरी लग गई. कंटेम्पररी बैले. हाँ कंटेम्पररी ऐसा ही है मैम, बैले तो कैपिटल में. यस यस, सभी तो खुद ही कर रहे हैं, कर लीजिए. वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई. क्या मिला आपको? मुझे इंडियन डोस्ट, इंडियन क्लासिकल. Start now. फोन तो ले जाओ. ये फोन वाला माइक है, फोन पे नहीं देखना वो. अच्छा देखना था. कौन सा स्टाइल मिला था आपको? इंडियन क्लासिकल. और कितना टाइम मिला था आपको प्रिपेयर करने के लिए? 30 मिनट्स. क्या कर रहे थे आप लोग जब प्रिपेयर करने के लिए टाइम लिया था? मुझे ये भी पता है कि आपको इंडियन क्लासिकल नहीं आता है. जो मैंने किया वो हो सकता है इंडियन क्लासिकल ना हो क्योंकि मैंने बिल्कुल ट्रेनिंग ले ली है, बट मुझे लगता है कि मैं. तो आपने जो स्टाइल किया है वो इंडियन क्लासिकल क्या है? वो इंडियन क्लासिकल मुझे नहीं पता वो क्या था, बट वो मेरा स्टाइल है. आप नाम दे सकते हो उसे, मेरा स्टाइल. मेरा स्टाइल. मुझे एक्चुअली मौके नहीं मिल रहे थे कि मैं अपना मेरा स्टाइल करके दिखाऊं. मुझे लोग हिप हॉप करवा देते थे, बॉलीवुड करवा देते थे. पहली बार आप मिली हैं जिन्होंने इंडियन क्लासिकल करने को बोला, बट मुझे इतना आता नहीं था वो, तो मैंने सोचा मैं मेरा ही स्टाइल करूँ. मैम तो मेरा सिलेक्शन होगा. पूरे शो में आप दो ही हैं. मुझे अभी पता लगा, फिर तो मैं जीत जाऊँ. एटीट्यूड दिख रहा है आपको? जी होगा. देखते हैं, आपको रकम तो पता होगी, विनर को कितनी मिलेगी? हाँ वो बाहर मैंने एक मैडम बैठी थी, उनसे पूछा था जीतने वाले को क्या मिलेगा.
उन्होंने बोला रिमोरा व्लॉग में एक बार आने का मौका, और इससे बड़ी मैम मेरे बचपन से इच्छा थी कि मैं इन व्लॉग्स में एक बार आता हूँ। एक बार एक मौका, चलो दूसरा कोई शो ले लेना, व्लॉग में ले लो, कॉमेडी कर दूंगा। सर एक बार बात कर रहा हूँ ना मैम। अगर हम जीतेंगे तो हमें रिमोरा व्लॉग में आने का मौका मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? यस, तो या आप आओ या मैं आऊँ। आप आओगे तो मुझे ले लेना, मैं आऊँगा तो आपको ले लूँगा। मैडम भाई मुझे बताइए स्टाइल क्या था आपका? ऋतिक रोशन वाला कंटेम्प्रेरी बैले था ना आपका स्टाइल? कंटेम्प्रेरी बैले मोस्टली जब शुरू हुआ था तो आपको भी शायद प्रेपरेशन के लिए टाइम दिया था, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके पास कंटेम्प्रेरी बैले की नॉलेज नहीं है, तो क्या क्या कर रहे थे आप? मैम प्रेपरेशन तो मुझे मिली थी, मैंने की भी थी, लेकिन एक छोटी सी चूक ये हो गई कि मुझे बीच में फोन आ गया। एक स्लाइड किया था साइड लैटरल्स पे, आपने स्लाइड किया था और लेग स्ट्रेट था और फुट पॉइंटेड था। वो पोजीशन से मुझे पता चला कि इनमें शायद टैलेंट है। देखिए मैं इन्हें कंटेम्प्रेरी नहीं कह पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मजबूरी है। मोहल्ले में डांस चैंपियनशिप चल रही है, ये नृत्य शक्ति में चल रही है, ये नृत्य शक्ति स्टूडियो मुंबई में, आप यहाँ पे जरूर आए। आपने जो जैकेट के साथ फ्लोर पे कुछ मूवमेंट किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक था, लेकिन एंड में उस मूवमेंट में आप कहीं तो अटक गए थे ना? कपड़ा है मैम, कपड़े का कोई भरोसा नहीं मैम, कभी भी उतर जाता है, कभी भी चढ़ जाता है, कभी भी निकल जाता है। तो मैम जैसे ये जैकेट ऐसे घूमी थी, तो सर ये इसका हाथ ढीला है, अब जब हम ऐसे घुमाते हैं तो एक फ्लो में तो ये चले जाता है, यू नेवर नो कि दूसरे फ्लो में कब जाए। शक्ति स्टूडियो फॉर द इंटेंसिव, आप हटेंगे थोड़ा? यहाँ पे आपको 40 क्लासेस इन अ मंथ मिलेंगी। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तो प्लीज विजिट द साइट www.nrityashakti.com। बाल अच्छे कर लो। यस, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं प्रोफेशनली डांस करता हूँ, मैं जयपुर में एक इंस्टीट्यूट से भी जुड़ा हूँ, बट यहाँ आके मुझे बहुत ही स्पेशल फीलिंग आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये बना हुआ है एंड जो एटमॉस्फेयर है, जैसे हम लोग एंटर करते हैं, दो डांस हॉल हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये वाला कोर्स जरूर ज्वाइन करने वाला हूँ। तो शक्ति मोहन का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। शी वॉज द विनर ऑफ डांस इन द डांस सीजन 2 एंड आप लोग उन्हें अभी फिलहाल जज के रूप में भी देख चुके हैं एंड देख रहे हैं ऑन द शो डांस प्लस शक्ति मोहन।